किया। फिल्म का नाम है प्रेम स्पीलवेकर, जिसको मतलब गुजराती में प्रेम स्पीलवेकर को हिंदी में बोलते हैं, प्रेम के बीच में आया हुआ स्पीलवेकर। किस तरह की फिल्म है, क्या है कहानी क्या? ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। हीरो गरीब लड़का है, हीरोइन जो है पैसे वाली लड़की है, गरीब लड़के से प्यार करती है, उनके प्यार में जितने भी स्पीड ब्रेकर आते हैं उनको पार करते हैं, कैसे मंजिल अपनी क्रॉस करते हैं वो दिखाया है। कास्टिंग में कौन कौन है? कास्टिंग में भी टेंटेटिव फाइनल होगी नेक्स्ट वीक में, मतलब कोई फाइनल नहीं किया है। तो हीरोइन कह रहे हो या और भी सपोर्टिंग एक्टर को? सपोर्टिंग एक्टर काफ़ी है, अभी तक किसी को फाइनल नहीं किया। अभी हमने उन्होंने टेंटेटिव रखा है, डिक्लेयर नहीं कर सकते हमको। बिंग आप एज ए डायरेक्टर फिल्म कर रहे हो, कहाँ का शूटिंग होगी, क्या हो पाएंगे? बिंग एज ए डायरेक्टर हम लोग का शूटिंग करेंगे गुजरात में, आनंद डाकोर, बड़ौदा और नड़िया। तो क्यों, जैसे आपने अभी कहा कि काफ़ी पहले आपने प्रोड्यूस किए फिल्में, इस फिल्म से क्या वजह रही कि आप चलो इस फिल्म? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जो बोला वहाँ पर, वहाँ पर ऐसा है कि आई हैड फाइनेंस फिल्म, सभी मैंने फिल्म फाइनेंस की थी रितेश नंदी के साथ में, आई मीन एक दो आशीष नागपाल वगैरह के साथ में, लेकिन उस वक्त मैं जस्ट बैक साइड फाइनेंस। अभी मुझे लग रहा है कि जब भी मैं यहाँ पे वर्ल्ड में शॉर्ट में लंडन वगैरह जगह पे और यूएस में, मैंने देखा कि गुजराती प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। वी हैव वेरी गुड पीपल देयर हु आर इंटरेस्टेड इन गुजराती, मोर देन द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इंडिया। सो देन आई वांट टू मेक समथिंग टू दैट लेवल व्हिच आई शुड बी एबल टू मेक देम। और ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो फैमिली साथ में बैठे। आज की तारीख में जो हिसाब से गुजराती फिल्मों एक के बाद एक आ रही है और अच्छी चल भी रही है, रिस्पॉन्स भी मिल रही है, आपको ये नहीं लगता है कि सिर्फ गुजरात के छोड़ के आपको और कहीं भी शूटिंग लोकेशंस नाउ द बजट इज टू मच तो जाके करना चाहिए? हाँ, उसका भी रीज़न है कि गुजरात गवर्नमेंट के रूल सब्सिडी और रिलीज के लिए कि मैक्सिमम 50-60% शूटिंग गुजरात में करनी कंपलसरी रूल है। तो हमको अगर आउट ऑफ कहीं भी करेंगे 100% शूट, तो हमको गुजरात गवर्नमेंट के कुछ सपोर्ट जो मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। ओनली फॉर बेनिफिट्स यू आर नॉट गोइंग टू आउट ऑफ गुजरात? या इसमें जो स्टोरीज है, इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट फुल्ली मूवीज। हाँ, इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट फुल कॉमेडी। केयूर भाई, दिस इज योर फर्स्ट वेंचर एज ए गुजराती, तो इसके बाद आपका क्या प्लान है? आई बी मेकिंग मेनी अदर्स, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन मेकिंग टीवी सीरीज, प्रॉपर ऑपेरा फॉर फैमिली टू सिट एंड ये भी चीज़ बनाई हुई, इसके लोगों चकड़े ही नहीं जुए। आई डेफिनेटली आई हैव दैट थिंकिंग। इनके प्लान नॉट सास बहू, इनके प्लान है केवर भाई, नॉट सास बहू, सास बहू की जैसा नहीं, यानी नहीं एंटरटेनमेंट, नो इट विल बी ऑन रियलिटी, बट इट विल मेक अ नॉर्मल पर्सन अंडरस्टैंड दैट वॉट कैन एक्चुअली हैपन एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी सर। तो जो फिल्म यानी काफ़ी जल्दी भी रिलीज हो रही है और साथ में थिएटर के साथ में OTT पे लाइक क्षमा रूमी उसमें आ रही है, तो आपका क्या प्लान है आपका? अभी पहले तो हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद हम पहले थिएटर में रिलीज करेंगे, देन आफ्टर सेमारू या एनी प्लेटफॉर्म देखेंगे। सर फिल्म्स बॉम्बे में क्यों ज़्यादा रिलीज नहीं करते? बॉम्बे में दो प्रॉब्लम है, एक तो ऑडियंस लिमिटेड एरियाज में है गुजरात, जैसे मलाड में है, बोरीवली में, मुलुंड में, राजकोपर में है, कांदिवली में है। अभी हम लोग गिरगांव में रिलीज़ करेंगे तो गुजराती ओडिशा नहीं, जहाँ होती है वहाँ होती है गुजराती फिल्म रिलीज़, जैसे बोरीवली में होती है, कांदिवली में होती है, राजकोपर में देखिए वहाँ होती है, मुलुंड में होती है फिल्म रिलीज। सर स्टार कास्ट फाइनल नहीं है, लेकिन रोमांटिक जो फिल्म होती है उसका सोल होता है संगीत सॉन्ग, तो किसे लेके आप दो रोमांटिक सॉन्ग है, किस कौन गा रहा है कुछ उस बारे में? प्लस म्यूजिक डायरेक्टर हमारे फाइनल होते हैं, तो भैलू वर्ताल करके है जो गुजरात में बहुत फेमस है, वो हमारा म्यूजिक रिकॉर्ड कर। क्या प्लान है, कब फ्लोर पर जा रहे हो क्या? सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल का प्लानिंग है। कब तक लोग देख पाएंगे? कम्प्लीट हम लोग की कम्प्लीट आफ्टर सेंसर के साथ फिल्म हम लोग की कम्प्लीट हो गया, फर्स्ट वीक ऑफ जून। अविनाश कपी मेरा नाम। क्या क्या कहानी क्या गया जाता है जैसे आपने कहा? कहानी क्या है सर के एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है जो गैरेज में वर्क करता है और उसको एक लड़की से प्यार होता है जो बहुत पैसा है, और ये दोनों का जो प्यार होता है उसके बाद दोनों का जो मिलन होता है उसमें बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आते हैं और लास्ट तक स्पीड ब्रेकर होता है। आउट एंड आउट कॉमेडी है, बहुत प्योरली एंटरटेनमेंट है। कॉमेडी में कई तरह की कॉमेडी होती है,
ये कॉमेडी किस तरीके कॉमेडी होती है? ये कॉमेडी ज़्यादातर सिचुएशन कॉमेडी है और डायलॉग की सोशल कॉमेडी। कोई वल्गरिटी नहीं इसमें डायलॉग में? बिल्कुल नहीं, गुजराती में वैसे भी वल्गरिटी नहीं चलती है सर, क्योंकि हम करना भी नहीं चाहते, करना भी नहीं चाहते, और गुजराती में चलती भी नहीं है। ज़्यादातर जो लोग देखते हैं वो फैमिली कॉमेडी हो या तो इंटरमीडिएट जोक्स हो, वो उसमें मजा आता है। नो डबल मीनिंग जोक नहीं होता है। स्टार कास्ट तो सर ने बोला, अभी स्टार कास्ट तय नहीं किया है। हमने एक टेंटेटिव कास्टिंग सोच रखी है, बट आफ्टर द मोरल सोचा था कि हम ऑडिशन लेंगे वगैरह एंड वी फाइनलाइज द कास्ट, तो कल से उसका काम शुरू हो जाएगा। वी बी इन अ वीक्स टाइम आपको पता चल जाएगा। आप किस तरह आपका गिर साहब? मैं उसका क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम है अरुष परिक, और मैं काफ़ी फिल्म और वेब सीरीज़ में क्रिएटिव डायरेक्टर में काम कर चुका हूँ पहले, और काफ़ी सीरियल में। और नीलेश भाई मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, तो उनके साथ मैं ये फिल्म कर रहा हूँ प्रेम मस्त प्लीट। हाँ मैंने मैं कुछ पूछा स्पोर्ट्स की बात की जाए तो कहाँ कहाँ शूट पूरा आनंद के आसपास ही होने वाला है गुजरात में। अभी तो पहले शूट हो जाए, फिर रिलीज का प्लान करेंगे। हाय फ्रेंड्स, भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, हूँ राजीव मेहता, हमारा बंधन जाने को लाड़ी अत्यार प्रेम में स्पीड ब्रेकर प्रेम में स्पीड ब्रेकर निर्माता दर्शक लेखक अभिनेताओं बताने मारा करते સારી ફિલ્મ બનાવશો તમે હાથી બધા સાથે બેસીને ફેમિલી નાના નાની દાદા દાદી ફાધર મધર ભાઈ બહેન કુકરો બધા સાથે બેસીને જોઈ શકે એક સ્વચ્છ કોમેડી ફિલ્મ બનવા જઈ રહી છે। પ્લીઝ સપોર્ટ ધેમ એન્ડ સી ધ ફિલ્મ। ક્યાં કહેંગે આપ प्रेम नो स्पीड ब्रेकर? मैं बोलूँगी सबसे पहले तो ये जो टाइटल है वो ही इतना कैची है, क्योंकि वो टाइटल ही बता रहा है कि इसमें प्यार भी है, इसमें सोशल भी है और इसमें कॉमेडी है, तो एक आम जनता को ज़रूर से अट्रैक्ट करे। और मैं हमेशा मानती हूँ कि टाइटल आधा काम कर लेता है सफलता के पीछे। आई रियली होप ये टाइटल बहुत अच्छा बनता। प्रोडक्शन हाउस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्रोडक्शन हाउस के बारे में क्या कहेंगे आप? प्रोडक्शन हाउस इसके बारे में बोलूँगी कि केयूर भाई अपने आप में ही एक पूरा पैकेज है, वो हर तरह से हर क्षेत्र में सफलता पाते ही है, और इस क्षेत्र में भी ज़रूर सफलता पाएंगे, क्योंकि जो सच्चा है, जो अच्छा है, ईश्वर हमेशा उसके साथ है। आप किससे जुड़े हैं साथ में? हम आज इन्वाइट हुए हैं, बाकी हम इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हम बहुत सारे गुजराती मूवीज़, हिंदी मूवीज़ कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द हम सोच रहे हैं कि केयूर भाई भी हमें मौका देंगे इस मूवी में। जी सर, एक मौका मिलेगा सर, सर को कह रहा हूँ सर, मौका मिलेगा सर मैम को कुछ तरीके से। तो मैं मेरा नाम बताना चाहूँगी, मीरा आचार्य है मेरा नाम, और काफ़ी सालों से मैं इंडस्ट्री में जुड़ी हुई हूँ। केयूर शाह जी ने हमें इनवाइट किया यहाँ पे उनकी मूवी के लॉन्चिंग में, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और मुझे बहुत 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 ही पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पे। और सबसे पहले ऑफकोर्स ये प्रेम मा स्पीड ब्रेकर इज अमेजिंग टाइटल, सुपर टाइटल है, एटले लाइक मुझे लगता है कि टाइटल से हिट ही हो गई, मतलब अभी आगे पीछे देखता ही नहीं है, इट इज गोइंग टू बी हिट, सुपर डुपर हिट, एंड दैट्स इट, लाइक इट लुक्स वेरी पॉजिटिव, सब मतलब बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। ओके, प्रेम स्पीड ब्रेकर मतलब प्यार में स्पीड ब्रेकर, तो प्यार में स्पीड ब्रेकर आता तो सोचो कुछ तो एक्साइटमेंट होगा। और हमारी पूरी टीम को दिल से दुआ है, एज अ डायरेक्टर नीलेश भाई, नीलेश मेहता जी को, और पीयूष शाह जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हमारे पास बहुत बधाई कि आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो, और फिल्म के अंदर कंटेंट जो डालना चाहते हो वो दिल खोल कर डालो, क्योंकि प्यार शब्द है, प्यार के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो मेरे दिल से दुआएं पूरी टीम को, सभी आर्टिस्टों को, म्यूजिशियंस को, और टोटल मीडिया तमाम मेरे दोस्तों को। राजेश वर्मा एंड ऋषा जी, जी ओनर ऑफ स्टूडियो बनो, एंड बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो मेरे जी को, मेरे माता को, और प्रीत भाई को जिन्होंने प्रोडक्शन हाउस, एंड फिल्म है कि
फिल्म का नाम है प्रेम माँ स्पीड ब्रेकर, प्रेम माँ स्पीड ब्रेकर, प्रेम माँ स्पीड ब्रेकर। और हम दोनों गानों का गाना भी कर रहे हैं। वाह, दो कितने गाने सर? दो 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 गाने, दो ही गाने रखे। अब ये अनाउंसमेंट हो गई है, अब ये कट नहीं कर सकते। दो तो है ही, दो तो है आगे, कितने भी गाने वो हम दोनों कर रहे हैं। ये प्रूफ है, हम लोग हमने काफ़ी फिल्मी की नहीं लेकिन तो होते रहते, लेकिन यूज बना रहते हैं। हमने नीलेश भाई के साथ बहुत कुछ की, बहुत काम किया उनके साथ, क्रिएटिव पर्सन, तो देखते भी आगे और हम और अच्छे काम कर सकते हैं। बाकी एक अकेला ही बोलता रहेगा तो अच्छी। मैडम कुछ कहेंगे आप इन फिल्म के बारे में? जी मैम आप आइए मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्णा खंडेलवाल है और मैं वनमूड स्टूडियो की ओनर हूँ। और ये मेरी सारी टीम है, हम सब साथ में हैं। वनमूड स्टूडियो टीम आई है यहाँ पे। आयूर मेहता जी, केयूर मेहता जी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, उनकी प्रोडक्शन हाउस जो उन्होंने अभी लॉन्च की है आर एंड एम में, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज की है। और इनकी जो फिल्म है उसकी भी वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। प्रेम माँ स्पीड ब्रेकर, माँ स्पीड ब्रेकर बहुत अच्छा नाम है। ये गुजराती फिल्म के साथ ये अपने प्रोडक्शन हाउस की बिगनिंग कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से, वेरी फ्रेंड्स, मैं हूँ कल्याणी ठाकर और यहाँ पर आर अड्डा में आज जो फंक्शन है उसमें आई हूँ। स्पेशली उर्विश परिक जिनको मैं पिछले 15-20 साल से राखी बांधती हूँ, तो उर्विश जी को प्रोड्यूसर है, मूवी का नाम है प्रेम माँ स्पीड ब्रेकर। तो मैं उर्विश परिक एंड प्रेम माँ स्पीड ब्रेकर की पूरी टीम को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छा काम करें और बहुत अच्छी मूवी बनाएं। आम पर गुजराती पिक्चरों की अत्यारे मार्केट बहुत सारी है, एट आ सुंदर फिल्म बनशे। एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर माय ब्रदर एंड टीम, तो लव यू गाइज, टेक केयर। अने पीसी कापड़िया एंड टीम ने पण कांग्रेचुलेट बारे में आज अनाउंसमेंट हुआ। खूबसूरत फिल्म का नाम है, टाइटल ही है प्रेम माँ स्पीड ब्रेकर। मतलब ये देखिए कि आजकल जो प्रेम जो थोड़ा फास्ट जा रहा है, लेकिन रिलेशनशिप झगड़ा है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि तो ले भी रिलेशनशिप बंद कर दीजिए, या तो मार्केट से फ्रिज दिखाना पड़ेगा, या तो पंखे बंद करा दीजिए, पंखे का भी चक्कर चल रहा है। प्यार में स्पीड ब्रेकर जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पीड में भाग रहा है, 6G के स्पीड में भाग रहा है, उसको ठीक कीजिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो फिल्म है यूथ की फिल्म है और प्यार मोहब्बत को रियल में दर्शाती है, हमारे तमाम पूरी टीम को बहुत मुबारक हो। लेकिन भगवान करे इसके रिलीज के बाद इसे कमाई में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, फिर वो फास्ट भागते हैं। ऐसा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों से, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये फिल्म बहुत ही सुपर हिट रहे, और बाकी तो आपका आशीर्वाद रहे तो हम सब भी कहीं ना कहीं नजर आते रहेंगे। इंद्रा क्या हो रहा सर? मेरा तो ये भी हमारी फिल्म है आने वाली गाली गलौज। पुष्कर ने मेरे दोस्त से मुझे पूछा कि प्रद्युमन साहब ने पूछा कि 2023 में जनता को क्या देने वाले हो, मैंने कहा गाली गलौज। नहीं नहीं नहीं, फिल्म का नाम है गाली गलौज, फिल्म जो है गाली गलौज फिल्म है, लेकिन वो गाली गलौज के खिलाफ है। तो आजकल OTT प्लेटफॉर्म पर शो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडी जैसा माइक भुगोवा के लड़का लेके जोक करते हैं ना, गंदी गंदी गाली देखते हैं, उनके खिलाफ फिल्म है। आपको जरूर पसंद आएगी, परिवार के सामने देखिएगा, OTT पर आ रही है, इसको बिफोर यू पे म्यूजिक आ चुका है, फिल्म का नाम गाली गलौज और मज़ा आएगा, परिवार के साथ देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि दिल दिमाग आँखें आवाज़ नेचर डीएथ और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि जनता है यही जानता है, यही हमारे अन्न देवता है, यही हमारे अन्न देवता है, ये हस्ती है, इनकी वजह से हमारी हस्ती है, ये हस्ती है तो हमारे घर बसते हैं, पर नाम कॉमेंट बहुत सस्ते हैं। आप भीड़ नहीं लीड है, क्राउड नहीं प्राउड है। सो आप लोग प्रणाम है, आप हंसते रहिए, आप
आपसे भी बढ़कर 2000 साल यही 33 2000 साल।